आप लोग हमेशा देखते होंगे, आपका जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, एक रिपोर्ट जारी करता है, हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB होता क्या है। तो याद रखिए, इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी, 11 मार्च 1986 को। तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, दिल्ली में, और ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ये अपराधों का एक तरह से हर साल बताती है कि कितने अपराध किस समाज में, किस मतलब वर्ग में घटे हुए हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामले, जो भी आंकड़े रहे। एक बात और याद रखिए हमेशा कि देखिए, सरकारी आंकड़े आप जानते हैं कि हकीकत मतलब आपको जब आंसर राइटिंग करनी है तभी आपको ये सरकारी आंकड़े मतलब उसमें डालना है। आपको जो हकीकत है उस पर कभी मत जाया करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केस मतलब लिखे कितने जाते हैं। ये समझिए कि 100 में से अगर 100 महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, तो मैं उसमें से मुश्किल से एकाध केस लिख लिया जाता है, या तो समाज के द्वारा दबा दिया जाता है, या फिर अधिकारियों की मिलीभगत या सरकार की मिलीभगत किससे वो निपट जाता है। यूपी में आप सोच सकते हैं कि यूपी के इस केस से आपकी यहाँ मतलब आपको ये मालूम तो चल गया होगा कि जब तक मतलब कितने केसों को दबा दिया जाता होगा। कि आप सोचिए, कोई अधिकारी में इतनी मतलब उसकी इतनी पावर नहीं होती, में उसमें इतनी दम नहीं है कि वो केस को मतलब इतनी पावर डाल सके, मतलब इतनी दबिश डाल सके उस परिवार पर। देखिए, सरकार में ही कोई मंत्री मंत्री कोई इस तरह के मिले रहते हैं तभी उसे दबाया जा सकता है। आपने हाथरस की घटना देखी, किसने मतलब एक तरह से ये कहिए कि लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, और जो सरकार मतलब आप कहिए कि सरकार के नाम पर मतलब जो भी अपने आप को बेटियों का महिलाओं का सुरक्षा या चौकीदार कहते रहते हैं, उनके एक तरह से तमाचा है उनकी गाल पर। आप समझ रहे हैं, कल ही किसी ने आर्टिकल लिखा है, मैं पढ़ रहा था शाम को आर्टिकल, कि उसमें कहा कि वो मन की बात भाड़ में जाए, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन, जो भी इस तरह की डिजिटल मेक इन इंडिया, इस तरह की हम जिंदगी जी सकते हैं इनके बिना, लेकिन अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं रही तो समाज बहुत दिन तक नहीं चल पाए। और ये हकीकत है मतलब कि इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। एक समय आप सोच सकते हैं कि हमें हमारे पास अगर नहीं है कोई भी सुविधा, और सोच लीजिए आप लोग कि मेक इन इंडिया के तहत आप कहीं भी जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया के तहत कहीं भी जा रहे हैं, ये रुक जाए, या बुलेट ट्रेन या कोई भी ट्रेन अगर सुपर फास्ट कोई भी हो, ये सुविधाएं हमें ना मिले तो हम जी सकते हैं इनके बिना। लेकिन आप कहें कि महिलाओं या समाज में अपराध फैला रहे, तो देखिए मानव तो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकती है। तो खैर छोड़िए, ये अलग बात है। ये कहिए आप लोग कि यूपी में जितना आप लोग धिक्कार सकते हो अपने आपसे मन से, जितने भी सब निकाल सकते हो, फिर चाहे आपके देश के प्रमुख के लिए या उत्तर प्रदेश के प्रमुख के लिए आप निकाल सकते हैं। मुझे तो वो भी अच्छा शब्द लगा कि किसी ने लिखा है कि वो ये लोग क्या जाने हैं, एक बेटी माँ का दर्द क्या होता है, एक परिवार का दर्द क्या होता है, इनकी बेटी बेटी माँ बहन या कोई भी होता और जे उसे अगर फॉलो करते तो शायद मुझे लगता है कि दर्द को महसूस कर पाते। पर यह हकीकत है, उस परिवार की जगह अगर कोई भी राजनीति, मैं तो कहता हूँ कोई भी XYZ राजनीति कर रहा हो, वो उस परिवार की जगह अपने आप को रख के देखे, पता चल जाएगा कि कितनी राजनीति, किस तरह की राजनीति होती है। आप सोचिए कि इससे ज्यादा राजनीति हमारे देश में नहीं गिर सकती है। आप समझ रहे हैं, मतलब जितना मानवता और इंसानियत गिर सकती थी गिर चुकी है। कि एक मतलब बेटी की मौत होती है, परिवार को किस तरह से दबाया धमकाया जाता है, वोट बैंक के लिए उस बेटी के मतलब आप सोचिए रेप, मतलब उसकी उस मुद्दे को भी ये लोग नहीं मतलब छोड़ना चाह रहे हैं, उस पर भी राजनीति करने लगे हैं। तो इससे जाना समाज कहाँ गिर सकता है। खैर छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं। तो ये आंकड़े आपको अगर देखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है आपका, मेंस हो फिर चाहे निबंध हो, महिलाओं की स्थिति से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, फिर चाहे आप स्टेट PCS में देख लीजिए, चाहे UPSC में, कहीं भी देख लीजिए आप लोग, मेंस में हमेशा क्वेश्चन आए, इंटरव्यू में भी पूछे जाते रहे। क्योंकि इसलिए कि 1947 में भले ही हमें आजादी मिल गई है, लेकिन आप सोचिए क्या हम आजाद हैं, क्या लोकतंत्र की आप सोचिए परिभाषा यही है,
एक बार मतलब लोकतंत्र असल में क्या होता है उसे पढ़िए, उसके बाद आप इस स्थिति को देखिए कि किस तरह से मतलब एक तरह से हिटलर वाला काम चल रहा है। तो ये स्थिति है, तो ये आंकड़े अपन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रूप से प्रकाशित भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि देखी गई है। ST/ST के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात भी कर चुके थे। तो खैर यहाँ देख लीजिए, इस समयावधि के में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में 7.3% की तक की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं में भी आप देखेंगे कि 2018 की तुलना में 7.3% की वृद्धि देखी गई है। आप लोग आज तक की जितने भी फांसी दी गई है, जितने भी अपराध हुए हो, उसमें दो चार ऐसे नाम खोजिए जो मतलब अच्छे घर से आते हो, जो पावर हो जिनके पास, जिनका सरकार साथ दे रही हो, उन्हें फांसी हुई हो। यूपी में आपने देखा था एक मतलब विधायक ने मतलब एक लड़की को, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, फिर भी उस पर क्या, उस पर फिर भी उसका सरकार साथ दे रही थी, हर प्रशासन उसका साथ दे रहा था। तो आप एक तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नियम कानून गरीब के लिए होते हैं, मजबूर के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई एक तरह से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब भगवान के पास शायद मुझे लगता है कि निर्णय होता है या नहीं, इस बात में भी एक तरह से शक है। अगर होता होगा देखिए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, यहाँ शायद हम रिश्वत देकर या कुछ और करके हेरा फेरी करके बच सकते हैं, लेकिन वहां मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बचने का कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, आज इस तरह बच के हो सकता है कि 20 से 30 साल 40 साल और जी जाए, उसके बाद तो कुछ होगा निर्णय। खैर यही कहूंगा कि अपने बच्चों को समझाते रहिए, और ये मतलब आप मुझे लगता है कि संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं अच्छी, तो इस तरह के विचार भी नहीं आएंगे आपके बच्चों के दिमाग में, करने की सोचिए, विचार भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जब परिवार का माहौल हो, परिवार ने उसे अच्छे संस्कार दिए हो, अच्छी शिक्षा दी हो। महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों की बात करें तो 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। आप समझ रहे हैं, 4,05,861 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या 2018 में दर्ज किए गए मामलों की 3,78,236 से 3.7% अधिक है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़े हैं केस, समझ रहे हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक दर असम में दर्ज की गई है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य है एक असम, देख लीजिए इसमें, ये है हमारा प्यारा एशिया, इसमें हम देखेंगे ये, इसमें भारत हमारा ये है, ठीक है। भारत में देखेंगे आप लोग कि असम, यहाँ आपको असम देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, असम राज्य ये है, क्या है, असम गुवाहाटी, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं, असम की। भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध में दर्ज मामलों में सर्वाधिक मामले पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता से संबंधित हैं। एक बात और हमेशा याद रखिए आप लोग, अधिकतर इस तरह के जो भी मामले हों, दुष्कर्म के या कोई भी हो, आप सोचिए कि उसके मतलब जान पहचान वाले ही मतलब इस तरह के अपराध करते हैं। आपको अधिकतर मामलों में उसका कोई ना कोई रिलेशन में ही आस पड़ोस या कोई भी मतलब दोस्ती इस तरह के देखने को मिलेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुल मामलों की संख्या 30.9% थी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल मामलों में इनकी संख्या कितनी थी, 30.9, एक बहुत बड़ी संख्या आप कह सकते हैं। इसके पश्चात महिलाओं की शीलता का अपमान करने के उद्देश्य से हमला 21.8%, अपहरण की बात करें तो 17.9%, बलात्कार की बात करें तो 7.9% से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को दर्ज किया गया है। NCERB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराध के मामलों की दर 62.4 है। इसकी तुलना में वर्ष 2018 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराध की दर 58.8% थी, कितनी, 58.8%। एक मामला और आप देखिए, आपने देखा होगा कि निर्भया हत्याकांड और रेप कब हुआ था, 12 में हुआ, और जाके 20 में आप देख रहे हैं कि सजा मिली,
यानी कि उन्हें फांसी हुई। तो एक लंबा समय, आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब एक तरह से समय लगता है। क्लियर था, आपको मालूम था कि ये दोषी हैं, फिर भी आप सोचिए इतना लंबा समय लग चुका है। अभी कहीं कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि एक महिला का रेप होता हो, मार दिया जाता है उसे। मतलब आप सोचिए कि जब उसका फैसला आता है उस केस का, तो मरे हुए उसे 10 साल बीत जाते हैं, 10 से 12 साल। इतना विलंब, मतलब इतनी देरी लगती है। इसीलिए आप सोचिए कि या तो समझौता हो जाता है, या मतलब जो भी समाज को देखते हुए सब दबा दिए जाते हैं, बाहर आ ही नहीं पाते हैं अधिकतर केस। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1000 में से 2-4 मामले लिखे जाते हो, बहुत बड़ी बात है। अधिकतर मामलों में आप देखते हैं कि दबे रहते हैं। अभी आप देखिए कि वो बॉलीवुड में आपने देखा है कि इससे पहले मामलों का पता नहीं था कहीं भी, कि कुछ क्या चल रहा है, ये सभी लोग नशेड़ी हैं या क्या है। लेकिन जब खुलना शुरू हुआ तो आपने देखा है कि पूरा सबकी, मतलब एक तरह से सबकी चादर हटती गई, चली गई। अभी अभी कल से देखिए आप लोग, परसों इस बच्ची का, मतलब बेटी का डेथ होती है, उसके बाद एमपी, यूपी, राजस्थान, कई जगह इस तरह की घटनाएं फिर भी घटी हुई है। एमपी की तो अभी अभी पढ़ रहा था कुछ ही टाइम पहले न्यूज में, कि वहां थाने अध्यक्ष द्वारा मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई, उस लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया। मतलब आप सोचिए कि हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं, इस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। एक तरफ हमारे जो आप देखते होंगे वहां के जो सीएम साहब हैं, वो भांजी कहते हैं, और भांजियों के साथ अगर कोई मामला, कोई अपराध हो रहा है तो उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, उसमें उन्हें देखना है अपना। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सुरक्षा, अपनी मतलब आगे बढ़ने, कोई भी आपको खाने के लिए नहीं देगा, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद पावरफुल बनिए, तभी मुझे लगता है कि सब कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री साहब की देख लीजिए, चलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब, हम सबको इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हकीकत में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी बीवी भी, मतलब पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई, उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि हमारा दोस्त जल्दी सही होके निकले। और एक तरफ इस मामले को आप देखिए, पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह से उस परिवार पर मतलब पेशा डाला गया, उसे धमकाया गया, डराया गया, इस पर हमारे कोई किसी ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी हुई। मैं एक बात हमेशा याद रखी, उमा भारती के बारे में हमेशा मैंने कहा है कि मतलब एक कम से कम टाइम टाइम से अपना मुंह तो बोल देती हैं, खोल तो देती हैं सही गलत के बारे में, जो भी है उनका, देखिए राजनीति करियर अपना है, लेकिन कम से कम बोल तो देती हैं। और कई मामले में मैंने ऐसा भी देखा है, सोनिया गांधी के बारे में देखिए, आप देखेंगे कि उमा भारती ने कहा था कि ऐसी बहू मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिल सके। उस उनकी पुरानी जिंदगी क्या रही है, हम लोगों को क्या मतलब है, राजनेताओं से हमें क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद, बहू बनने के बाद, कभी आपने उनके आचरण पर कोई भी मतलब आप सोचिए कि दाग नहीं लगा होगा। आप हमेशा सोचिए कि हमारे यहाँ के मतलब वो पश्चिमी देशों की सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं हम लोग वहां के कपड़ों को मतलब एक तरह से अपना रहे हैं, वहां की संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस महिला ने आके हमारे देश में मतलब हमारे देश की परंपरा को समझा। तो आप सोचिए कि अभी भी उसी हिसाब से रहती है, एक जो भारतीय महिला रहती है। तो मुझे लगता है किसी महिला के ऊपर उंगली उठाने की हमें नहीं, हमें लगता है कि अगर आप इंसान हैं, इंसानियत है, मानवता है, तो उठाना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ बचिए, हो सकता है कि यहाँ आपके पास पावर है, आप पैसा है, सब कुछ बचा ले जाए, लेकिन ऊपर वाले को मानते हो तो शायद उससे तो डरिए। ठीक है, ये हाल है देश में। महिलाओं के खिलाफ अपराधों 59,853 की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। आप समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या, देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के कुल मामलों का 14.7%, उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान 41,550 मामले के साथ 10.2% है दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर,
37,144 मामले 9.2% का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र ये हो गया। ठीक है, असम की प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर 1.77 दर्ज की गई है। इस मामले के में असम के पश्चात राजस्थान 110.4 और हरियाणा 108.5 का स्थान आता है। प्रति लाख की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग की 177.1, मान लीजिए कि 178 केस दर्ज किए जा रहे हैं 1 लाख जनसंख्या पर महिलाओं की। इस स्थिति को आप समझ सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बलात्कार के मामलों की बात करें तो 5,997 दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश 3,065 के साथ दूसरे नंबर पर। आपका एमपी मध्य प्रदेश 2,485 में 85 मामलों के साथ ये सबसे अधिक है। ठीक है, टॉप पर राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मामलों में की दर में राजस्थान में सर्वाधिक आपका 15.9% थी। इसके बाद केरल में 11.1 और हरियाणा में 10.9% सर्वाधिक दर्ज वाले राज्य। पॉक्सो अधिनियम के तहत बालिकाओं के खिलाफ अपराधों में मामलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। राज्य में पॉक्सो अधिनियम के तहत बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की संख्या 7,444 थी। इसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आंकड़े याद रखिए, आप लोग जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, उस समय आप डाल सकते हैं और बेहतर मतलब स्कोर भी कर सकते हैं, एक तरह से याद रखना चाहिए। वैसे भी आप किसी से बहस भी कर रहे हैं तब भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। 3 लाख महिलाओं की जनसंख्या पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की उच्चतम दर सिक्किम में 27.1%, मध्य प्रदेश में 15.1% और हरियाणा में 14.6% दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर दहेज के मामलों की दर सर्वाधिक 2.2 थी और उत्तर प्रदेश में दहेज के कुल 2,410 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के पश्चात बिहार 1,120 का स्थान था और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 150 एसिड हमले के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 42 उत्तर प्रदेश में और 36 मामले पश्चिम बंगाल में देखे गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ हम देख चुके हैं पिछली में, तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें आप लोग देखते रहिए। महिलाओं और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों से संबंधित वर्तमान कानूनों की बात करें तो जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, महिलाओं का सुरक्षित प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, आईटी अधिनियम 2000 की धारा आपका 67, आईपीसी की धारा 354 शीलता का अपमान करने के इरादे से महिलाओं पर हमला, आईपीसी की धारा 376 बलात्कार से संबंधित। और ये है आपके सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता वृद्धि और मामलों की जांच से संबंधित सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि प्रयास किए जाने चाहिए। एक बात, एक तरह से उपाय है। देखिए, कॉपियों किताबों पर या आप कह सकते हैं कि कागजों पर हजार तरह के कानून आते रहते हैं, लेकिन धरती पर कितने, यानी कि जमीनी स्तर पर कितने लागू हो रहे हैं वो मायने रखता है। अब ऊपर से कोई भी कानून आ जाए, अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहा है तो नहीं रोकेंगे ना अपराध, समझ रहे हैं आप लोग, ये हालत है। और बाकी इतना ही कहूंगा कि आप कम से कम मतलब अपने बच्चों को मुझे लगता है कि शिक्षा दे सकते हैं इस तरह की, कोई अच्छा काम नहीं है। ठीक है, जहां अच्छा काम है मैं कहता हूं करिए, लेकिन कम से कम ये तो बदनामी की ही काम है, एक तरह से इंसानियत के नाम पर धब्बा के ही काम है। तो इन्हें रोकिए, अपने बच्चों को अच्छी सलाह दीजिए और शिक्षा दीजिए टाइम निकाल के। आप सोचिए आपका नाम कितना बड़ी ऊंचा, और एक बार तुम्हारे बच्चे मतलब आप सोचिए, भगवान ना करे फिर भी अगर किसी इस तरह के रास्तों पर चल पड़ता है तो डूबने की पूरी गुंजाइश निकल जाती है। और आपकी छोड़िए, उस बच्चे पे तो जो होगा होगा, आपके भी नाम धूमिल हो गया। तो इसलिए थोड़ा देखते रहिए, और अगर आपको राजनीति करने की सोचती है तो करिए, और भी मुद्दे हैं, लेकिन इस तरह के अगर मुद्दों पर अगर आप राजनीति करते हैं, आपके मन में कोई सवाल आता है तो उस परिवार की जगह अपने आप को देखिए। हमारे घर में भी भाई बहन माँ बेटी सब रहते हैं, मतलब हम सभी के घर में, आप समझ रहे हैं,
तो अपने स्थिति को भी देख लिया करेगा उस जगह रख के कि क्या स्थिति होती है हमारी। हम लोग भी अभी भी मुंह खोल रहे होते, कई लोगों को मजाक आ रहा था, कई सोशल मीडिया मतलब इतने भद्दे टाइप के कमेंट करते हैं, इतने भद्दे टाइप के शेयर करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि इनकी नीचता कहाँ गिर चुकी है। चलिए आप लोग भुगत रहे हैं, इसलिए कहता हूं कि जागरूक रहिए और जागरूकता की दृष्टि से अपने नेता को चुनिए। ठीक है, आप समझिए कि आपका विधायक जिसे आप चुनते हैं, अगर आप मान लीजिए कांग्रेस है आपके या बीजेपी है या कोई भी है, चलिए केंद्र में सरकार या सीएम आपका बीजेपी का या कांग्रेस का बन जाता है, आप विधायक को यही सोच के वोट देते हैं कि अरे कांग्रेस में उसकी सरकार है, तो क्या वो आवाज उठाएगा? क्या सीएम साहब या जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आपकी मदद करने के लिए आएगा? कभी नहीं। इसलिए हमेशा अपने लोकल नेता को चुनिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहे, फिर केंद्र में चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। ठीक है, तो याद रखना इतना, और फिर आपकी मर्जी, आप जो देते देंगे वही वो परिणाम आपको देंगे और आप भुगतते रहेंगे।